दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक पावर सप्लाई सर्किट है और दोस्तों इस पावर सप्लाई सर्किट को हम एक पुराने एलईडी बल्ब से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो पीस तार का टुकड़ा और एक 6.2 वोल्ट जीना डायोड। उसके बाद इस जीना डायोड का कैथोड पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ और जीना डायोड का एनोड पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ और नेगेटिव पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 6.2 वोल्ट जीना डायोड और एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस जीना डायोड का कैथोड पिन और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ और इस जीना डायोड का एनोड पिन और इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक रेड कलर का एलईडी बल्ब और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस तार के टुकड़े के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ और इस तार के टुकड़े के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक पुराना एलईडी बल्ब। उसके बाद एलईडी बल्ब के ऊपर यहां पर जो एलईडी पैनल होता है उस एलईडी पैनल को हम निकाल देंगे। उसके बाद एलईडी बल्ब का पॉजिटिव तार हम इस तार के टुकड़े के साथ और एलईडी बल्ब का नेगेटिव तार हम इस तार के टुकड़े के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।